हेलो एवरीवन, दिस ये फिर से मेरा नया व्लॉग है। आज मैं और मेरे भाई जा रहे हैं तिलैया डैम के पास घूमने के लिए। डैम के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही हम लोग जा चुके हैं, तो आज उसके आसपास जाने वाले हैं क्योंकि कोई जगह पता नहीं है, तो फिलहाल वहीं जा रहे हैं। वहाँ से फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो रेडी हो चुके हैं, ऐसे सिंपली चलते हैं। चल रहे हैं हम लोग बाइक में फिर से। ये मेरे घर के पास का एरिया है। निकल गए हम लोग पेट्रोल पंप से बाहर और बहुत दिक्कत लगता है यार, इसमें आवाज ठीक से नहीं आता है। तो सेपरेट माइक लेना पड़ेगा क्या? अभी मारुति सुजुकी निकाल दिया ये, क्या बोलते हैं, इनोवा का जैसा गाड़ी। कौन सा? इनविक्टो निकाल दिया, जब इनोवा ही जैसा लगता है देखने में, समझे? मारुति और टोयोटा जो है दोनों तो ऐसे भी ये कर रहा है ना, शेयर कर रहा है ना। मर्ज हो रहा है क्या? मर्ज नहीं हो रहा है, मतलब कि टोयोटा अपना इंजन देता है, टोयोटा अपना इंजन देता है और मारुति अपना ये देता है, क्या बोलते हैं, नहीं मारुति अपना इंजन देता है और टोयोटा अपना मतलब कि ये देता है कि थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह, थोड़ा लग्जरी वगैरह, मतलब कि अंदर अंदर का चीज टोयोटा अच्छा दे रहा है। तभी ना दो तीन गाड़ी देखेगा तो सेम है। फिर आपका मारुति सुजुकी का बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा दोनों सेम है। और अभी इनविक्टो, अभी इनोवा था, इनोवा का सेम टू सेम कॉपी, सेम इंजन, सब कुछ सेम, सिर्फ लोगो चेंज है, थोड़ा बहुत लुक्स होते हैं, माइनर चेंज। इनविक्टो निकालती टीगा इसीलिए पसंद आया था। ये हम सोचे थे फैमिली कार लेंगे तो वही लेंगे, आगे फैमिली कार अगर लेंगे तो यह टीगा लेंगे, बट हाँ उसका बेसलाइन में अगर फिर और कुछ दूसरा आ जाता है तो फिर वो वाला देखा जाएगा। इधर होता ना ऐसा जगह में कितना अच्छा होता, लेकिन जब साल बाद सच में वहाँ शिफ्ट हुआ ऐसा जगह है, तब हमको समझ में आया नहीं यार, दूर से ही देखने के लिए कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, परमानेंट हाउस नहीं होना चाहिए, बहुत अशांति हो जाता है, ज्यादा शांति भी अशांति हो जाती है। अच्छा बाइक हो, चलते जाओ, तो एक बार लॉन्ग राइड करना है, मतलब कहीं दूर जाना है, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, अभी होगा
ये है डैम वाला रास्ता, क्योंकि हम उसके साइड से आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं हम लोग डैम के पीछे। मिरर में आपको मेरा फोन दिख रहा होगा, ओप्पो X3 प्रो। अरे बाप रे, अभी आप भी गिरता फोन। हाँ, और देखिए दूर में अगर दिख रहा होगा आपको, तो देखिए यहाँ पे ट्रेन का ट्रेन जा रहा है। एक बार ही आए हैं हम लोग पिकनिक कर, इस साइड हम आए थे एक बार जब हम रांची की तरफ जा रहे थे। ये हजारीबाग जाने वाला रास्ता है, हजारीबाग रांची यहाँ से होके जाते हैं। ये डैम का कोना वाला रास्ता आ गया, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ तो व्यू बेसिक है। देखिए वहां पे बोट है, बड़ा अच्छा मजा ले रहा है लोग, काश हम भी ले पाते। दिस इज द सीनरी। और यहाँ देखिए ये पहाड़ था, इसको काट के रोड बनाया जा रहा है चौड़ा करके, और यहाँ ब्रिज बन रहा है। ये पुराना वाला ब्रिज है, यहाँ पे इसको तोड़ करके नया से फिर बनाया जाएगा। इस साइड वाला एरिया यहाँ भी बहुत पानी, और फिर वही पहाड़ की बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये रोड के अगल बगल में जो छोटा छोटा जो ढाबा होता है, वहाँ का भी बात ही अलग होता है। कहीं पे रुक करके कुछ भी खाना वाना जाए। हाँ नीचे चलते हैं, चलिए चाय पीते हैं और फिर उसके बाद नीचे चलेंगे। यहाँ पे यात्री लोग रुके हुए हैं बोलबम जाने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। दिस इज द एरिया। यहाँ पे छोटा सा दुकान है, बहुत ही अच्छा, जंगल ढाबा, जंगली ढाबा जो भी हो। और यहाँ से उतर के नीचे जा सकते हैं वो डैम की तरफ, मतलब नदी की तरफ। तो चलते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे आ गए हैं, वहाँ पे थे ऊपर, साइड से आए नीचे, और ये नदी के पास थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं हम लोग। उसके ऊपर भी, अरे उसके ऊपर चढ़ने, उसके ऊपर भी हम चढ़े हैं, उसके ऊपर चढ़ने रास्ता बंद है। ये यहाँ पे मोटर हाउस है। ओह माय गॉड, यहाँ कोई पत्थर रखा लगता है टाइटैनिक का पोज करने के लिए। ओ देखिए ये हम लोग का बाइक, और ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है। हाँ, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, इसलिए बहुत सारा। आपका फोटो क्या?
ये गेस्ट हाउस है सामने से, और ये व्यू है, आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये यहाँ पे भैया बाइक से आए हैं अपना गर्लफ्रेंड से बात करने, साइड में बेचारा अकेले है, क्या कर रहा है वो। तो हम लोग बेसिकली वहां से होते हुए इधर से ऐसे घूम करके पूरा उधर से आए हैं, उस तरफ में ब्रिज है जिधर से आए, अभी ये दिखाए थे हम। और यहाँ पे आप लोग आके पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है इफ यू आर कमिंग दिस साइड। यही व्यू है, और क्या फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस यही खुला सा एरिया है जहाँ पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। एक बार ही हम लोग आए थे, वो उस तरफ पे गए थे वहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो थोड़ी दूर और अगर जाएंगे NH पकड़ के तो बरही एक और जगह आता है, जब इतने दूर आ गए तो थोड़ी दूर और है, वहां भी चलते हैं देख के आते हैं। यहाँ पे पता कब आए थे हम लोग? दीपंकर जूली आंटी लोग आया था, हाँ उनके साथ आया था। यहाँ तो अभी बहुत साफ हो गया ना, उस टाइम बहुत गंदगी था। ये देखिए पीछे का रास्ता है जंगल से होते हुए, कार तो नहीं आ सकता। आ जाएगा, आ जाएगा, मेरा गाड़ी आ गया था, चढ़ भी गया, यहाँ आ गया था, इतना पत्थर पे। टाइम हो रहा है 6:00 भाई, रोड जा रहे इससे बीच में हम कुछ नहीं, शांति लगभग हम लोग घुस ही गए हैं बरही। ये देखिए आर्मी कैंप है, सब आर्मी पर्सन लोग रहता है। 203 कोबरा, ये है आर्मी कैंप 203 कोबरा। ये देखिए आर्मी में टाइप होता है ना, हाँ तो भाई कोबरा कोबरा आर्मी,
कमांडो लोग का टाइप होता है। हाँ हाँ, कोबरा एक तो है वो लोग का। वहाँ पे सामान जान पे बहुत सस्ता मिल लेता है, अंदर में कैंटीन होता है वो लोग का। हाँ, वो लोग को बहुत कम रेट में मिलता है। हाँ, हम सुने हैं कि कैंटीन वगैरह रहता है, उसके बाद मतलब जैसे आर्मी वालों को दिया जाता है ना रूम रहने के लिए, तो उसके लिए वो लोग अगर सामान वगैरह भी खरीदता है जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी वीवी हो गया, वो सब में भी उन लोग को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो एक बार ऐसे ही स्कैम हो गया था मेरे साथ कि फेसबुक में कोई सुमन को मतलब बहन को मैसेज किया, सुमन वो कि हम आर्मी वाला है तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, मेरा कहीं दूसरा जगह ट्रांसफर हो गया तो हम अपना सामान सब बेच रहे हैं कम दाम में। ओएलएक्स में ही नाम से बहुत स्कैम होता है, वो लोग बोलता है कि हम आर्मी वाला है, मेरा कहीं और ट्रांसफर हो गया है। हाँ, अब मेरा गाड़ी है कम दाम में बेच रहे हैं, आके खरीद लीजिए। हाँ हाँ, तो खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए। तो गाड़ी वोड़ी के बारे तो नहीं बोला, लेकिन बोला मेरा फ्रिज है तो लैपटॉप है तो ये है वो है। तो सुमन हमको बताई कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो हमको पहले डाउट हुआ कि अरे यार आर्मी वाला जा रहा है अच्छा ठीक है, अगर दे रहा है तो बोलो ठीक है ले लेते हैं। तो बोली ठीक है, अब बोल दिए हैं कि ले लेंगे, तो बोलती है कि बोल रहा है एडवांस पेमेंट करने के लिए। कार में भी कार वाला वही करता है, उधर बिल बनवाना पड़ता है निकलवाने के लिए। तो हम तभी हम उसको बोले कि नहीं, तब स्कैम है, तभी कुछ गड़बड़ है। कार में भी मेरे साथ यही हुआ था कार, और एक बार हम एक स्कूटी भी देखे थे। हाँ, तो हुआ था कि यहाँ पे पहले आपको एडवांस पेमेंट का पहले बुक करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद बोला कि हम बिल विल सब भेज रहे हैं आपको, देखिए फिर अपना आईडी भेजा, पता नहीं कौन आर्मी वाला का आईडी भेज दिया पूरा। तो हम बोले आर्मी वाला अपना आईडी भेज रहा है, कैसे हो सकता है, रेडी रखना है स्कैम करने के। स्कैमर लोग बता कितना तेज है। ये हम लोग बड़ी चौक आ गए। हाँ, तो यहाँ हम लोग बात करते करते पहुँच गए बरही चौक। वो दिन आरा गए थे ना। हाँ, यहाँ से इधर गए थे, लेकिन इधर हम लोग का चल जाएगा धनबाद आसनसोल कलकत्ता। अच्छा, आपका दिल्ली बनारस, इधर दिल्ली बनारस पटना, और इधर सीधा जमशेदपुर हजारीबाग रांची। तो हम लोग चौक से और कहीं नहीं जाएंगे, वापस ही घूम जाएंगे। चौक से आप कहीं जाने लायक है भी नहीं। हाँ, अभी लॉन्ग राइड वाला ब्लॉग अभी थोड़ा सा लेट है। आएंगे यहाँ से आसनसोल। असल में लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, लेकिन वैसा गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, बाइक भी नहीं, समय भी नहीं है। हाँ, और समय भी नहीं है, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा समय है और ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है कि हम उस बजट में निकाल के हम लंबा राइड पे जाएं। तो मेरा जॉब करना फिलहाल ज़रूरी है। हाँ, कभी अगर कभी क्या किसी दिन तो हो गई तो ज़रूर लॉन्ग राइड्स करना तो चाहते हैं। आज बहुत दिन के बाद आए हैं। हाँ, बहुत दिन के बाद तो आए हैं हम, बहुत दिन के बाद आए आज बरही बाइक से, बहुत दिन के साल बाद। अब कार से तो चलिए आते रहते हैं, क्योंकि इधर से आसनसोल जाना, हजारीबाग जाना, रांची जाना होते ही रहता है। अभी आ रहा गए तो हाईवे किए थे, बाइक चला के आज बहुत साल के बाद आए। बहुत बड़ा मार्केट है भाई। अच्छा ट्रैफिक लग गया रोड पे, खूबसूरत ढाबा चमकता हुआ, और वो देख रहा है वहां से, ये लोग वीडियो बना रहा है, व्लॉग कर रहा है, देख रहा है, अभी भी देख रहा है घूम घूम के। हम आ रहा है तो 1000 रुपया तो दे दी, उसके बाद फिर बोले कि लाने का अलग देगा, अलग चार्ज मांग रहा है। हम बोले कि नहीं भाई,
छोड़ दे स्कैम बाजी कर रहा है मत दो। तो उसके बाद मैं बोली कि नहीं आएंगे तब हम देंगे। उसके बाद से फिर दूसरा दिन फोन की तो स्विच ऑफ, बोले जा गया पैसा 1,000 रुपया। तो हम लोग अब मैंने छोड़ करके वापस तिलैया घुस रहे हैं और ब्लॉग का एंड में आ रहे हैं। ब्लॉग में इतना ही था, फिर अगले ब्लॉग में नहीं पता किधर जाएंगे बट किसी अच्छे जगह पे ही जाएंगे। और फिलहाल बारिश भी हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, बाय। सो हेलो एवरीवन, दिस इज माय न्यू व्लॉग अगेन। और आज हेलो एवरीवन, ये फिर से मेरा नया व्लॉग। और आज जा रहे सॉरी दादी बुला गैलरी में नहीं आ रहा है, गैलरी में नहीं आया, गैलरी में चेक करेगा तो जरूर आएगा। ट्रैफिक में फंस गए, पीछे वाला सब घूम घूम के देख रहा है क्या कर क्या रहा है। साइकिल का इंजन खराब हो गया, एक तो हम लोग को भी टोटो ले लेना चाहिए, उसी में बैटरी लगाएंगे और ऊपर में सोलर पैनल लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए एक हंटर जा रहा है, ये भैया वाले से हंटर का एक दिन प्राइस पूछे तो ये महाराज जी बोलते हैं कि इम्पोर्टेड माल है, इम्पोर्टेड माल है, 3 लाख रुपए का है। क्या बोल रहा है, कौन सा मटेरियल है यार, तो भाई इसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ अलग मेटल बोला कि इसका ब्रेक टूट गया, ब्रेक खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, ये अलग मेटल से बना है, इसका अलग से ब्रेक लाना पड़ता है। हाय, रिकॉर्ड हो रहा है क्या?